चला न कोई वार, मोदी से है खेलनी होली डंडा मार। बुरा न मानो होली है ये स्निग्धा जी आज जी, IBN भारत पर है देश की ये आवाज। कविताओं के रंग में आपको सराबोर कर दिया और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। मेरी सांसें भी लिखा ली करारनामे पर, नकद का प्यार था मैं उधार कर बैठा। रंग लगाओ प्यार से होली का त्योहार, ओ याद आ जाती है नानी एक। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली के रंग IBN भारत के संग। नमस्कार, IBN भारत के कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ स्निग्धा। कहते हैं कि होली बिना कवि और कुछ मस्खरे कवियों के बिना फीकी लगती है। बिना कवि सम्मेलन के होली का माहौल सजता ही नहीं है और इसी माहौल को और सजाने के लिए हमने आपके लिए कवि सम्मेलन का इंतजाम किया है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जाने माने कवि जो आपको होली के कई रंगों से सराबोर करेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपको, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है संदीप अनुरागी जी। जैसा कि नाम से जाहिर है, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हास्य के ऐसे रंग से आपको सराबोर करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन माधव जी। हरिमोहन माधव जी, जैसा नाम से जाहिर है कि अपनी कविताओं से मोह लेते हैं वो, और आज वो सियासत के कुछ ऐसे रंगों से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनको सुनकर आप सियासत के कई कदम भूल जाएंगे। तो जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे साथ मौजूद है मंजर लखनवी जी। लखनऊ तहजीब का शहर, यहाँ होली भी कई बड़े ही तहजीब के साथ खेली जाती है। तो जोरदार ताली से स्वागत करें, आज ये आपको हास्य का करारा कंठा बनाने वाले हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे सभी कवियों का। और जब हमारे बीच इतने बड़े बड़े कवि मौजूद हैं तो मेरी बकबक सुनने से अच्छा है कि इनकी कविताएं सुन ली जाए। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी माधव जी को कि आज जो है हमारे दर्शकों को कवि के अपनी कविताओं के रस से जो है आप सराबोर करें। स्वागत करें। वाह है, बहुत बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और मैं सीधे कविता से जुड़ना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत। ये फागुन ऐसा होता ही है जी कि हर दिल जो है उमंगे मारता है, उछाहे भरता है और एक दूसरे को कहीं न कहीं रंगों से रंग देना चाहता है। जो खुशियों का सबसे मायने रखता है वो हास्य रखता है और हम कभी सब हाथ से कविताएं लेकर के आपके सामने आए हैं, तो उन सबको हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं स्निग्धा जी, और बहुत अच्छा संयोजन कर रही हैं। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, है ना। मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसा है मौसम कि इस मौसम में हम ही आप नहीं, बड़े बड़े बूढ़े जवान सब उमंगों से भर जाते हैं और एक दूसरे को रंगने के लिए आतुर रहते हैं, रंगों से, शब्दों से। तो एक मुक्तक सुनिएगा। स्वागत कि हम आपको कहें क्या, बूढ़े बहक रहे हैं। हम आपको कहें क्या, बूढ़े बहक रहे हैं। जो उम्र हो 18 ऐसे चहक रहे हैं। कुछ देख कर महकते अरमान बुढ़ियों के, कुछ देख कर महकते अरमान बुढ़ियों के। जो बुझ गए थे चूल्हे वो भी दहक रहे हैं। एक ऐसा ही, क्योंकि वो दहकते हैं तो उन्हीं बूढ़ों की तरफ मैं पहुंचता हूँ अपने कुंडलिया छंद की तरफ से। कि भंग है चढ़ाए अंग अंग में उमंग लिए, भंग है चढ़ाए अंग अंग में उमंग लिए। रंग में है बाबा आज फागुनी बयार में, ऐनक
चढ़ाए आंख कान में लगी मशीन चल रहे लाठी लिए तेज रफ्तार तो 80 का बुढ़ापा और जोश का जवाब नहीं मारती जवानी जोर बात व्यवहार में अब पूछा जा रहे हो कहाँ हंस के बताया मुझे साली से बड़ा है कौन आज त्योहार अभी आप बात कर रही थी तो कुछ पॉलिटिक्स पे भी हो जाना चाहिए जी, तो मैं पॉलिटिक्स पे भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं लेता हूँ अभी बीच में हमारे यहाँ ट्रंप आए थे और ट्रंप ने कहा क्या कुछ कहा था तो उस पे लेता हूँ और एक फिर मैं एक लोकल पॉलिटिक्स पे लोकल पॉलिटिक्स मतलब नेशनल पॉलिटिक्स पे तो मैं कह रहा हूँ कि आज बल्ली हो कर रहा दिल है सबका जंप आज बल्ली हो कर रहा दिल है सबका जंप होली मिलकर खेलते जमकर मोदी ट्रंप जमकर मोदी ट्रंप टेरर की करे ठुकाई और संभलो पाकिस्तान तुम्हारी शान लगाई और रंग मिसाइल से चले रंग मिसा देखिए अभी यहाँ राहुल जी हैं देखिए काहे से रंग खेल रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे है ना तो समलो पाकिस्तान तुम्हारी शाम तो आई रंग मिसाइल से चले गिरे पाक पर गाज फगुआ मिलकर गा रहे फगुहारे सब आग फगुआ मिलकर गा रहे फगुहारे सब आग इससे बाद में की संदीप जी की तरफ बढ़े मैं एक और कह देना चाहता हूँ है ना वो सुनिएगा देखिए बार बार क्या होता है कि 5 साल मोदी के बीते हैं और फिर 5 साल हम आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए विपक्षियों को तो लगता है ना कि चांस मिलना चाहिए तो उस पे देखिएगा एक हमारा कुंडलिया कि मारदंड बैठक खड़े राहुल है तैयार मारदंड बैठक खड़े राहुल है तैयार और पीछे खड़े अधीर हैं करने को बौछार अधीर रंजन चौधरी तो मारदंड बैठक खड़े राहुल है तैयार पीछे खड़े अधीर हैं करने को बौछार तो करने को बौछार लिए हाथों में डंडा अभी डंडा वाली बात हुई थी तो करने को बौछार लिए हाथों में डंडा सोच रहे हो कामयाब कोई हथकंडा तो पार नहीं अब तक मिली चला न कोई बार मोदी से है खेलनी गोली डंडा मार गोली डंडा मार क्या कहने वाला मतलब आपने सियासत के सारे रंग जो है हमारे दर्शकों को दिखाए बहुत खूब और अब हम बढ़ेंगे संदीप अनुरागी जी की तरफ तो आप अपने कुछ हास्य की बौछारे जो है हमारे दर्शकों को आप बहुत जोरदार ताली से स्वागत करें आप सभी को नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी आपको कि बुरा न मानो होली है ये बुरा न मानो होली है ये किस निग्धा जी आज जी आई बी एन भारत पर है देश की ये आवाज आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इस पे तो भाई कुछ बनता है फिर से सुनाइए कि बुरा न मानो होली है ये बुरा न मानो होली है ये किस निग्धा जी आज आई बी एन भारत पर है देश की ये आवाज और आइए 4 पंक्तियां साहब पढ़ता हूँ और गांव का एक चित्र देखिएगा होली का कि अब छावा बसंत घर आंगन नुमाया हो होली का पर्व विशेष रहा है क्या बात है कि अब छावा बसंत घर आंगन नुमाया हो होली का पर्व विशेष रहा है और सब रंग बिरंगे हैं बाबा बने मानो भूतन कैसन भेष रहा है कि सब रंग बिरंगे हैं बाबा बने मानो भूतन कैसन भेष रहा है तो ले लोटा मरंगो है भौजी खड़ी और आगे से गेस दिनेश रहा है ले लोटा मरंगो है भौजी खड़ी और आगे से गेस दिनेश रहा है और दोनों हाथ मरंगो लबेड़े हुए रमुआ से मुआ के रेले से रहा साहब 4 पंक्तियां देखिएगा स्वागत है
कि होली ये नशा बहुत खराब चीज है। एक आदमी होली के समय शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा है और साहब आनंद लीजिएगा जी, स्वागत है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली। और साहब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक दृश्य और देखिएगा कि एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी, तो एक दिन हम और लल्लू जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू ने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा ले, तो मैंने कहा ठीक है साहब। वो नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचे और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही है आनंद लीजिएगा। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है, तो नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है, तो नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका। और साहब ये लल्लू जो अपने आप को लल्लू लिखते हैं, लेकिन कितने होशियार आदमी हैं। सब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को लल्लू लिखने वाले व्यक्ति कितने होशियार आदमी हैं। मैं उनके घर गया कि लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोम लिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार। और साहब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक नेता जी अपना नेत्रदान किए और क्या प्रतिक्रिया हुई आनंद लीजिएगा, आप सभी रसद के श्रोता हैं। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता हैं। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया बोला है मरीज, कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं। और साहब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक दिन मैं कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ वकील साहब से, बाबू जी से भीख मांग रहा था। तब चार पंक्तियों में वो दृश्य आपके सामने रखता हूँ कि क्या बातचीत हो रही है उस भिखारी की और बाबू जी की। जी। एक भिख मंगा बाबूजी से, मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से, मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भिख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। और
साहब एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते काफी देर हुई, तब एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। ट्रंप के यहाँ आया था, सुनिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोलाया अपनी प्लेट रख ले। अपनी हाथ से कविताओं से, अपने हाथ से रस से आपने हमारे दर्शकों को थोड़ा बोर किया, मन तो नहीं कर रहा है और आपको सुनने का मन कर रहा है, लेकिन लखनवी जी इंतजार कर रहे हैं, और तो मैं लखनवी जी के पास जाऊंगी कि आप क्या दर्शकों को सुनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आर्यन भारत के सभी दर्शकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अभी अनुराग जी को फिर सुना जाएगा, अनुराग जी, जी, जी। मैं थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ता हूँ, स्वागत स्वागत है। अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ूंगा। पानी दुनिया मिट जाएगी, सिर्फ कहानी रह जाएगी, ओ युग का अंत भले हो जाए, कोई निशानी रह जाएगी, ओ सृष्टि पुनः रचने को जग में, कुछ ना कुछ तो बचना तय है, सृष्टि पुनः रचने को जग में, कुछ ना कुछ तो बचना तय है, एक दीवाना रह जाएगा, एक दीवानी रह जाएगा, एक दीवाना रह जाएगा, एक दीवानी रह जाएगा। और चूंकि आज होली है और होली का माहौल है, कुछ मस्ती भरी चीजें होनी चाहिए। बहुत हसीन था कातिल, बहुत हसीन था कातिल, मैं प्यार कर बैठा, बहुत हसीन था कातिल, मैं प्यार कर बैठा, और यूं अपनी जान भी उस पर निसार कर बैठा, और मेरी सांसें भी लिखा ली करारनामे पर, मेरी सांसें भी लिखा ली करारनामे पर, नकद का प्यार था मैं उधार कर बैठा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं गीत और गजलों में ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरी हर रचना में आपको ऐसे ही कुट मिलेगी। इश्क की लव में तकब्बुर तेरा जल जाएगा, तकब्बुर मतलब घमंड, इश्क की लव में तकब्बुर तेरा जल जाएगा, और संग मरमर से तेरा रूप भी ढल जाएगा, और अपना पत्थर से कलेजा संभाल कर रखना, अपना पत्थर का कलेजा संभाल कर रखना, प्यार का मार दूं मंत्र तो पिघल जाएगा। और एक अभी आपने पढ़ा था कुंडलियां छंद, मैं प्रयास किया है मैंने, बिल्कुल कि लाल गुलाबी बैंगनी हरा बसंती रंग, लाल गुलाबी बैंगनी हरा बसंती रंग, और सारे फीके हो गए चढ़ी जोर से भंग, सारे फीके हो गए चढ़ी जोर से भंग, चढ़ी जोर से भंग सभी फिर नाचे गाएं, चढ़ी जोर से भंग सभी फिर नाचे गाएं, और ढोल मंजीरा ढपली संग मृदंग बजाएं। क्या और भैया ने जब रंग दिए साली जी के गाल, भैया ने जब रंग दिए
काली जी के गाल गाधी जी के हो गई बिना रंगे हिला। और कुछ गजल है एक, उनके कुछ शेर में पढ़ना चाहता हूँ। जिसे बचपन में कर बैठा हमें भी प्यार होली, जिसे बचपन में कर बैठा था मैं भी प्यार होली में, नहीं मालूम था उसके मैं आशिक चार होली होली में, नहीं मालूम था उसके आशिक चार और जो उसके बाप ने मेरे पिताजी से शिकायत की, जो उसके बाप ने मेरे पिताजी से शिकायत की, हमारा हो गया जूतों से फिर सत्कार हो गया। ओ इरादा कर लिया दिल में उसे मैं भूल जाऊंगा, इरादा कर लिया दिल में उसे मैं भूल जाऊंगा, कि जिसकी ही वजह से पड़ गई थी मार होली, जैसे पड़ गई मार होली में, मार होली में। बरस बीते उम्र बीती जगह बदली समय बदला, बरस बीते उम्र बीती जगह बदली समय बदला, कि बरसों बाद घर पहुंचा तो मैं इस बार होली में, और दिखी इस बार छह बच्चों के संग लैला मोहल्ले की, दिखी इस बार छह बच्चों के संग लैला मोहल्ले की, मोहब्बत भी थी अपने बोझ से लाचार होली, अपने बोझ से लाचार होली, और किसी गम में मैं बोतल पी गया पूरी की पूरी, जब इसी गम में मैं बोतल पी गया पूरी की पूरी, जब लगाई जोर से बीबी ने फिर फटकार होली में, लगाई जोर से बीबी ने फिर फटकार होली में, हमेशा सोचता हूँ कुछ न कुछ अच्छा करूंगा, अब हमेशा सोचता हूँ कुछ न कुछ अच्छा करूंगा, अब नशा तंबाकू कर देता है बंटा धार होली मेरा, नशा तंबाकू कर देता है बंटा धार होली यहाँ। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद और भी कविताएं हमारे पास